नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जैसे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है जो पिछला टॉपिक परावर्तन हुआ था उसके आगे का टॉपिक, दर्पण। ठीक है, दर्पण के प्रकार, विभिन्न प्रकार दर्पण के क्या होते हैं और दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं, ये चीजें हमें देखनी है। ठीक है, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं वो और दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं क्या होती है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्टिकुलर दर्पण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम दर्पण को देखते हैं कि दर्पण क्या है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, या कुछ सिलेबस में दिया हुआ है एमपीपीएससी मेंस के। तो देखिए, कांच की एक ऐसी युक्ति, ठीक है, कांच की एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से, ठीक है, जिसके माध्यम से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। या फिर एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, कि कांच की एक ऐसी युक्ति जो अपने ऊपर आपतित समस्त प्रकाश को लगभग परावर्तित कर दे। ठीक है, मतलब लगभग समस्त प्रकाश को, ऐसा कर लेना, जो अपने ऊपर आपतित लगभग समस्त प्रकाश को क्या कर दे, परावर्तित कर दे, उस युक्ति को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो फिर से सुनिए, कांच की एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण कहलाती है। या कांच की एक ऐसी युक्ति जो अपने ऊपर आपतित लगभग समस्त प्रकाश किरणों का परावर्तन कर दे, उनको परावर्तित कर दे, दर्पण कहलाता है। दर्पण के समानता प्रकार के अगर हम पर्टिकुलर बात करेंगे, देखिए दर्पण कितने प्रकार का होता है, अगर दर्पण के प्रकार के हम पर्टिकुलर यहां बात करें तो दर्पण हमारा होता है, इसको पूरा अगर बात कर दूं तो दर्पण कितने प्रकार का मिलेगा, दर्पण के प्रकार हम ये देखते हैं कि दर्पण के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, या दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो देखिए दर्पण के प्रकारों की जब बात आती है तो दर्पण पर्टिकुलर वैसे तो समानता तीन प्रकार का होता है, लेकिन हमें मेनली दो प्रकार का दर्पण देखना, एक हमको देखना है अवतल दर्पण, ठीक है, सॉरी समतल दर्पण। अगला दर्पण कौन सा दर्पण हो जाएगा, समतल दर्पण, एक तो ये हो गया, और दूसरे कौन से होंगे आपके, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, पहला आपका हो गया समतल दर्पण, दूसरा आपका कौन सा हो गया, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के आगे पर्टिकुलर किन्हीं प्रकारों को आपको स्टडी नहीं करना है, आपको स्टडी करना है गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण दो प्रकार का यहां पर आपको मिलेगा, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, ये होता है। तो देखिए, ये किस तरीके से ये दर्पण होते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण कैसा होता है, क्या होता है, देखिए समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका तल कैसा होता है, समतल होता है, मतलब हम इसको ऐसा ले लेते हैं, और जिसके समतल में एक पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश। ठीक है, इसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ठीक है, या इसको कलई भी बोलते हैं, पॉलिश या कलई। और इसका जो एक पृष्ठ है वो किसकी भांति कार्य कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ की भांति। परावर्तक पृष्ठ की भांति से मतलब क्या, जिससे क्या होता है, परावर्तन होता है। मतलब जिस पृष्ठ से परावर्तन होगा वो पृष्ठ कौन सा पृष्ठ कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। ठीक, दर्पण बनता है इस तरीके से। दर्पण को बनाने की युक्ति क्या है, कि दर्पण जो होता है उसमें कांच का टुकड़ा लेंगे, उसके एक तरफ क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, और एक तरफ का पृष्ठ कैसा पृष्ठ हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या आएगा, समतल दर्पण में दर्पण जो होता है पर्टिकुलर वो पूरा समतल होता है, मतलब कांच का टुकड़ा पूरा समतल होता है, उसके एक पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश कर दी जाती है, और एक पृष्ठ उसका परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करता है, मतलब परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ऐसे दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, हम समतल दर्पण, या समतल दर्पण के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर। अब एक चीज मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कि जो समतल दर्पण होता है, ठीक है, समतल दर्पण से भी प्रतिबिंब बनता है, और जो गोली दर्पण है उससे भी क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब क्या होता है, यह भी आपको सिलेबस में दिया हुआ है कि प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है वो आगे हम अभी स्टडी करेंगे, लेकिन जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब भी अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब पर्टिकुलर कैसा होता है, आभासी होता है, ये सब चीजें यहां पर होती है। तो आगे आप प्रतिबिंब में पढ़ोगे वो, लेकिन अभी मैं यहां से प्रश्न इतना क्लियर कर रहा हूं कि दर्पण कितने प्रकार के हैं। तो पहला आपका कौन सा होगा, समतल दर्पण। नेक्स्ट आपका होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण के दो प्रकार हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अब देखिए,
अवतल और उत्तल दर्पण में क्या है? तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या, गोली दर्पण पूरा है कि कसा गोला लेंगे, ये गोला किसका है, कांच का गोला, ठीक है। इस कांच के गोले को मैंने बीच से क्या कर दिया, कट कर दिया, बीच में से मैंने इसे काट दिया, तो कितने भाग मिलेंगे, इस तरीके से दो भाग मिलेंगे, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो ये पूरा गोलाकार है, ये कैसा है, पूरा गोलाकार। अब गोली दर्पण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कांच के गोले का भाग होता है, तो उत्तल दर्पण भी कांच के गोले का भाग है, उत्तल दर्पण भी कांच के गोले का भाग है। जब कांच के गोले को हम काटते हैं बीच में से, जब इसके दर्पण बनाते हैं, तो किस तरीके से चीजें बनेगी, तो देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण फिर यहां पर क्या होगी, समझिए इसको ध्यान से। एक भाग ये मिला, ठीक, तो अवतल दर्पण में क्या हुआ, मान लेते हैं कि इसके इस पृष्ठ पर मैंने पॉलिश कर दी, इस पृष्ठ पर क्या कर दी, पॉलिश कर दी, ठीक है, इज इट क्लियर। या फिर मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं, आपको समझ में जाएगा थोड़ा सा आपके हिसाब से, ऐसा इसके इस पृष्ठ पर हमने क्या कर दी, पॉलिश, इस वाले पृष्ठ पर, और इस वाले पृष्ठ पर पॉलिश नहीं, मतलब इस वाले पृष्ठ पर पॉलिश है, ठीक है। तो ये वाला पृष्ठ कौन सा पृष्ठ हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ, है ना, ये वाला पृष्ठ कौन सा पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ। तो क्या होगा, कांच के गोले का वह अर्धचंद्राकार भाग, ये अर्धचंद्राकार होगा, अर्धचंद्राकार, ठीक है, ये भी अर्धचंद्राकार होगा, इज इट क्लियर। तो अर्धचंद्राकार वह भाग जिसमें क्या होगा, जिसके उठे हुए पृष्ठ पर पॉलिश हो, ये उठा हुआ पृष्ठ ऐसा होता है, ये वाला पृष्ठ, तो इसके उठे हुए पृष्ठ पर क्या है, पॉलिश, और अंदर वाला पृष्ठ किसकी भांति कार्य करे, परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करे, उस दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। फिर से डेफिनेशन सुनिए कि गोली दर्पण में क्या होगा, एक जो कांच का गोला होता है उसका वह अर्धचंद्राकार भाग जिस पर ये जिसके उठे हुए पृष्ठ पर क्या हो, पॉलिश हो, और इसका अंदर दबा हुआ भाग, मतलब अंदर वाला भाग किसकी तरह कार्य करे, दबा हुआ भाग, परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करे, कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब उत्तल दर्पण को देखिए, उत्तल दर्पण में क्या आएगा, उत्तल दर्पण इस तरीके से पूरा होगा। अब उत्तल दर्पण में अंदर वाला जो भाग है इस पर मैंने क्या कर दी, पॉलिश, इसका उल्टा कर दिया, इसका हम क्या कर दें, उल्टा, तो अंदर के पृष्ठ पर मैंने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी, ठीक है। और ये बाह्य पृष्ठ किसकी भांति कार्य करेगा, तो बाह्य पृष्ठ करेगा परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य, परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करता है, मतलब उत्तल दर्पण में क्या होगा, तो कांच के गोले का वह अर्धचंद्राकार भाग जिसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या हो, पॉलिश हो, तो देखिए आंतरिक पृष्ठ पर क्या है, पॉलिश, ठीक है, जिसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश, और जिसका उठा हुआ पृष्ठ मतलब कि उभरा हुआ पृष्ठ किसकी भांति कार्य करे, परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करे, ऐसे दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण, यह उत्तल दर्पण के नाम से जाना जाता है। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जैसे मैंने बोला उस हिसाब से डेफिनेशंस बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम बढ़ते हैं आगे, तो दर्पण के प्रकार क्लियर हो, दर्पण क्या होता है वो क्लियर है, ठीक है, और दर्पण के प्रकार आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम आते हैं गोली दर्पण से संबंधित प्रमुख कुछ परिभाषाओं पर, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बेसिक्स को समझने के लिए, वहां से आपको तीन नंबर में भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, दर्पणों से संबंधित या गोली दर्पणों से संबंधित, ठीक है, गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ भी सकता। सबसे पहला ध्रुव, सबसे पहला क्या है, ध्रुव जिसे दर्शाते हैं पी से, क्योंकि इसको पोल बोला जाता है, तो ध्रुव की डेफिनेशन क्या बनेगी, मान लेते हैं कोई से दर्पण ले, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, मान लेते हैं हमने अवतल दर्पण ले लिया, ये कौन सा दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण, एम और ये एन, ये पृष्ठ होगा, ये हमारे अवतल दर्पण है। अब यही से सारी डेफिनेशन समझनी है आपको, तो पहली डेफिनेशन समझिए ध्रुव, ध्रुव की डेफिनेशन क्या होगी, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ठीक है, गोली दर्पण के, ऐसा लिखता हूं, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे P से दर्शाते हैं, तो मध्य बिंदु से क्या है, ये होगा मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु को हम क्या बोल रहे हैं, ध्रुव, मतलब P, इसको किससे दर्शाया हमने, P से। तो डेफिनेशन सुनिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव P कहते हैं, ये मध्य बिंदु ध्रुव P हो गया। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, सेकंड डेफिनेशन क्या है, वक्रता केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र को हम, वक्रता केंद्र मतलब सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर, तो इसको हम दर्शाएंगे सी से, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये गोली दर्पण, ये अवतल दर्पण है, गोली दर्पण ही है, ये किसका भाग है, खोखले गोले का भाग है, तो ये खोखला गोला लिया, इसका ये भाग है, तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का
भाग होता है, मतलब गोलीय दर्पण, हर जगह गोलीय दर्पण आएगा, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी या उसके सॉरी उसके केंद्र को दर्पण का केंद्र कहा जाता है, दर्पण का केंद्र कहा जाता है, इसे सी से दर्शाते हैं। अब केंद्र कहां होगा, अब खुद सोचिए, इसको अगर मैं पूरा गोला बना दू, ऐसा पूरा गोला बना दू तो यहां कहीं सेंटर आएगा, तो ये लाइन हम यहां लेते हैं, ठीक है, तो यहां कहीं क्या हो जाएगा इसका केंद्र सी, क्लियर, केंद्र क्या हो गया सी, तो ये कौन सा केंद्र है, वक्रता केंद्र, इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहां लिख देता हूं वक्रता केंद्र, ठीक है, यहीं कहीं मिलेगा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये डेफिनेशन क्लियर हुई, अब अगली डेफिनेशन सुनिए, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या, अगली डेफिनेशन कौन सी है, वक्रता त्रिज्या, यही से डेफिनेशन निकल जाएगी वक्रता त्रिज्या की, तो कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या किसकी होगी, इसकी होगी, इज दैट क्लियर। या फिर एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं, एक और डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं, एक और डेफिनेशन हम ये बना सकते हैं कि ध्रुव से, ये ध्रुव है आपका, इस ध्रुव से यहां से लेते हैं, इस ध्रुव से ये वक्रता केंद्र सी है, इसके बीच की दूरी हम दर्शाते हैं आर से, इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूं कि दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं, क्लियर है। तीनों डेफिनेशन फिर से सुनिए, अगले डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, इसे पी से दर्शाते हैं, ये दिख गया। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है, इसे सी से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव से जो वक्रता केंद्र की दूरी होती है, ठीक है, उसे ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, इसे आर से दर्शाते हैं, यहां से यहां तक की दूरी, इज दैट क्लियर। तो साथियों इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसका अगली डेफिनेशन क्या है, तो अगली डेफिनेशन आपको मिलेगी मुख्य अक्ष की, फोर्थ पॉइंट क्या आएगा आपका, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है देखते हैं, मुख्य अक्ष क्या है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये लाइन दिख रही है ब्लैक ब्लैक, इसी लाइन को मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी मुख्य अक्ष की, मुख्य अक्ष की डेफिनेशन बनेगी ध्रुव या ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, उस दर्पण का मुख्य अक्ष बोला जाता है। देखो ये ध्रुव है पी और ये क्या है वक्रता केंद्र सी, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को दर्पण का क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। साथियों चारों डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। इसका अगली डेफिनेशन सुनिए, अगला पॉइंट क्या बनेगा इससे संबंधित डेफिनेशन में, तो अगला पॉइंट आपका इससे संबंधित डेफिनेशन में बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपको तीन नंबर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, ध्यान समझिएगा। वो है आपका मुख्य फोकस, किसकी डेफिनेशन पढ़ोगे आप, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए अवतल दर्पण में मुख्य फोकस अलग होता है, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस अलग होता है, लेकिन मुख्य फोकस की डेफिनेशन एक ही बनती है। वो डेफिनेशन क्या बनेगी सुनिए, डेफिनेशन सुनिए पहले, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, इसको मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, आपतित प्रकाश किरणें, ठीक है, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात, यहां पर परावर्तन ले रहे हैं इसलिए परावर्तन लेंगे, परावर्तन के पश्चात या फिर अपवर्तन भी होता है लेकिन अपवर्तन लेंस में आएगा, ठीक है, अब दर्पण पड़ रहा है, तो आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उसका मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहा जाता है।
देखिए जिस बिंदु पर मिलती हैं तो मिलती हैं अवतल दर्पण में, कौन से दर्पण में मिलेंगी, अवतल दर्पण में, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी ये कौन से दर्पण में होगा, उत्तल दर्पण में, समझ गए। अब यहीं से आप दोनों के डेफिनेशन समझिए। अगर आप आपसे पूछ ले कि अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखिए, घुमा कर देंगे, बोल दे अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष नहीं, मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, अगर आपको ऐसा देते ठीक है तो फिर हम क्या करेंगे, इसे कैपिटल एफ से दर्शाते, ध्यान रखना किससे दर्शाएंगे, कैपिटल एफ से फोकस को। तो दर्पण की मुख्य, यदि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का फोकस कहा जाता है। उत्तल दर्पण के फोकस की परिभाषा इसको स्किप कर देना। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो अवतल और उत्तल दर्पण के फोकस में डिफरेंस क्लियर है। अगर वो आपसे अवतल और उत्तल अलग अलग नहीं पूछता है, वो एक साथ आपसे मुख्य फोकस पूछता है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, तो डेफिनेशन बनेगी ये जैसा मैंने लिखा, दोनों दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। डायग्राम से समझिए एक बार, ठीक है कि आपको वैसे तो समझ आया होगा लेकिन रखना नहीं, डायग्राम समझिए। मान लेते हैं अवतल दर्पण है, उत्तल जो भी दर्पण लेना हो आपको, दोनों में समझा दूंगा, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस देखते हैं, मुख्य फोकस अवतल दर्पण है ना। तो ये मुख्य अक्ष हो गया, ये बिंदु हो गया P, ये केंद्र हो गया C, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, तो भाई मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित कर रहा हूं, ये समांतर ही तो आपतित हो रही है। मान लो परावर्तन के पश्चात यहां से होकर गई, ठीक है, ये भी यहां से होकर गई और ये भी यहां से होकर गई, यहां पर मिल रही है, तो यहां पर क्या होगा, फोकस एफ, समझ गए, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो हमने यही तो लिखा है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित करी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, इस बिंदु पर मिली, इसी बिंदु को हम क्या बोल रहे हैं, उसका मुख्य फोकस बोलते हैं, समझ गए भैया। ध्यान रखिएगा एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि यही डेफिनेशन प्रतिबिंब में भी मिलेगी आपको, कि जहां पर किरणें मिल रही हैं, जहां से किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है, वहां पर प्रतिबिंब बनेगा, वहां पर जो संरचना बनेगी उस संरचना को बोलते हैं प्रतिबिंब, लेकिन जो बिंदु, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, फोकस। अभी लेकिन ठीक है, अभी प्रतिबिंब पर मत जाइए, अभी आप कंफ्यूज होंगे, इतना समझिए। अगर मान लो यही उत्तल दर्पण होता, मान लो कि दर्पण ऐसा होता, तो ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण में सारी चीजें इस तरफ होती है, ठीक है, अब उसका फोकस भी इस तरफ होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण समांतर होकर आपतित करें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, ठीक है, तो प्रकाश किरण एक्चुअली ऐसे चली जाएंगी, ऐसे जाएंगी, लेकिन जब हम इसका अवलोकन करते हैं तो हमें यहां से आती हुई प्रतीत होती है, यहां से आती हुई प्रतीत होगी, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, तो यह क्या हो जाएगा, फोकस, मतलब यहां पर मिल रही है, यहां पर मिल रही है और यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं इसमें आगे, ठीक है। इसके बाद आपको आएगा प्रतिबिंब, लेकिन प्रतिबिंब को पढ़ने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ लेनी है, एक और डेफिनेशन यहां पर आपको समझ लेनी है, वो है फोकस दूरी। छठा पॉइंट क्या बनेगा, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, ठीक है, तो फोकस दूरी यहां पर बनेगी कि दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है, जो फिर से अवतल दर्पण ले लिया, जिसका मुख्य अक्ष यह बिंदु पी, मान लो यहां पर हो गया फोकस एफ और यहां पर हो गया वक्र का केंद्र सी, तो देखो इसके ध्रुव से फोकस तक की दूरी, तो ये वाली दूरी हो जाएगी ध्रुव से, ये ध्रुव और ये फोकस, ठीक है, हमने ये मान लिया, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, से स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो क्या आएगा, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किस तरह दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से, फोकस को एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। इज दैट क्लियर, ठीक। अब देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए, उसको पूरा एलिबरेट आपको नहीं करना है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से कुछ न्यूमेरिकल्स आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यही क्लियर कर रहा हूं आपको, कि दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध है ना,
दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है, उस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। आपको सब पूरा डराइव करने की जरूरत नहीं, तो डराइव करना नहीं पूछता, वो स्पेशल फिजिक्स में चला जाता, वो पर्टिकुलर आपसे स्पेशल फिजिक्स के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछता है। यहां पर आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा, जिस हिसाब से लास्ट ईयर का पेपर आया। तो देखिए, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? स्मॉल एफ इक्वल देन होता है आर बाई टू। स्मॉल एफ इक्वल देन क्या होता है? आर बाई टू। मतलब स्मॉल एफ क्या है यहां पर? फोकस दूरी। स्मॉल एफ क्या है? फोकस दूरी। और वक्रता, ये आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो दोनों में संबंध क्या मिलेगा? पहला संबंध तो यह मिलेगा, यहां पर लाइन बनेगी कि किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब यहां से डायग्राम से कॉन्सेप्ट समझिए, P और यहां पर F और यहां पर C। ये क्या है? यहां से यहां तक R मतलब कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, मतलब वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या की आधी मतलब F यहां कहीं होना चाहिए। इसकी आधी क्या है? स्मॉल F फोकस दूरी। इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, स्मॉल F फोकस दूरी बराबर क्या है? वक्रता त्रिज्या बाय दो। ठीक है, तो स्मॉल F इक्वल कितना हो गया? R बाय टू। तो R यहां पर क्या है? वक्रता त्रिज्या। स्मॉल F क्या है? फोकस दूरी। जो भी पहले आपको समझाया जस्ट थोड़ी देर पहले, इजी है, टेक इट इजी, आप ध्यान समझेंगे सब समझ में आएगा आपको। तो दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। इसी फॉर्मूले से एक और चीज निकल जाएगी, अगर मैं आर का मान निकालना चाहूं तो पहली बात तो ये, सेकंड बात यहां पर क्या क्लियर हो रही, अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो 2 का स्क्वायर इनटू जाएगा, तो आर इक्वल देन क्या हो जाएगा? 2f। तो भाई एक और इंपॉर्टेंट लाइन क्या बनेगी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी की दो गुना होती है। फोकस दूरी की दो गुनी होती है। दिख रहा होगा आपको इस फॉर्मूले से, यहां पर ये दो गुनी होगी, सिंपल सी बात है, ये इसका आधा तो ये इसका दो गुना। तो f इक्वल देन क्या है? r by 2, और r इक्वल देन क्या है? 2f। अगर अब इन दोनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे वो पूछ ले तीन नंबर में, अभी बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है, तीन नंबर में न्यूमेरिकल यहां से आ सकता है। अभी लास्ट टाइम एक त्वरण वाला न्यूमेरिकल पूछा था उसने, ठीक है, लास्ट टाइम आपसे त्वरण का न्यूमेरिकल पूछा है, वो मैं भी करवाऊंगा जब त्वरण पढ़ाऊंगा तब आपको न्यूमेरिकल पिछले बार वाला, लेकिन अब यहां पर कोई न्यूमेरिकल पूछ ले, मान लो आपसे इस तरीके से वो आपको क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन बनाते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये संबंध आपको पता है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हम बनाते हैं न्यूमेरिकल कि यदि कोई अवतल दर्पण, ध्यान रखना क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा एग्जाम में, देखो अवतल दर्पण ऐसे खोखले गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अवतल दर्पण के लिए पूछा है फोकस दूरी क्या होगी अवतल दर्पण में। ठीक है, देखिए यदि कोई अवतल दर्पण ऐसे खोखले गोले का भाग है, अवतल दर्पण है तो ऐसा बनेगा, ठीक है, खोखले गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या मतलब यहां पर सी और यहां पर पी, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या जाएगा? कैपिटल आर। त्रिज्या कितनी दी है? 40 सेंटीमीटर, मतलब आर इक्वल देन यहां कितना दिया? 40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब नहीं पता है, अगर आपको डायरेक्टली पता है, डायरेक्टली अगर आपको यह पता है कि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है, तो उसका आंसर क्या जाएगा? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आधी होती है आप जानते हैं, लेकिन यहां पर आपको एलिब्रेट करने के लिए आएगा ना, ठीक है, तो आप उसको पूरा बताना पड़ेगा आपको कि कैसे आपने निकाला। तो अब क्या बोले, डायग्राम भले मत बनाएंगे लेकिन अब क्या बोले लिखेंगे, हल करते टाइम, चूंकि हम जानते हैं या डायरेक्ट लिखेंगे हम जानते हैं, या फिर प्रश्न अनुसार कर देंगे, प्रश्न अनुसार कर लेते हैं पहले, जिस तरीके से मैथमेटिक्स के रूल चलते हैं। तो प्रश्न अनुसार क्या आएगा? प्रश्न अनुसार त्रिज्या आर इक्वल देन कितना है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी स्मॉल एफ हमें ज्ञात करनी है, चूंकि हम जानते हैं कि स्मॉल एफ इक्वल देन क्या होता है? आर बाई टू। तो स्मॉल एफ इक्वल देन आर का मान कितना है? 40 और 2, तो इसको कैंसिल करें तो कितना है? स्मॉल एफ इक्वल देन 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर आई? 20 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? ठीक, अब अगर मान लो वो इसका उल्टा कर दे, आपसे क्या दे दे, वो आपको फोकस दूरी दे दे और वक्रता त्रिज्या पूछ ले,
ठीक है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसा देते कि यदि कोई अवतल दर्पण ऐसे खोखले गोले का भाग है जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर या फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा प्रश्न अनुसार क्या दिया है, फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ दिया है, तो स्मॉल एफ कितना सेंटीमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर मतलब वक्र त्रिज्या आपको ज्ञात करनी, तो चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है एफ इक्वल देन आर बाई टू, तो इससे क्या निकल जाएगा आर की वैल्यू, तो आर इक्वल देन 2F, ये होता है। और जब आर इक्वल देन 2F होता है तो आर इक्वल देन 2 की जगह पे 2 और F की वैल्यू कितनी है 30, तो इनटू 30 तो आर इक्वल देन कितना जाएगा 60 सेंटीमीटर, मतलब वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर साथियों, तो ये इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, क्लियर है। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के हैं, है ना, समतल दर्पण और गोली दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार के, अवतल और उत्तल दर्पण, दोनों का डेफिनेशन आपको क्लियर है, दर्पण संबंधित डेफिनेशन आपको सारी की सारी क्लियर है, जिसमें फोकस बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, फोकस की डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का संबंध मैंने आपको बताया क्या होता है, उस पर बेस्ड मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स कराए हैं, ठीक है, क्लियर है साथियों। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब रचना के नियम, ठीक है, और साथ में प्रतिबिंब के प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वो हम एक लेक्चर में खत्म कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा जो प्रतिबिंब वाला पोर्शन है वो भी यहां से फिनिश हो जाएगा, परावर्तन वाला पोर्शन भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद, थैंक यू सो मच।